क्या हाल चाल है आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपनी क्लास में। और आज हम जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। 3 चैप्टर्स हैं इस यूनिट में। सेल है, बायोमोलिक्यूल्स है और सेल डिविजन्स, मतलब सेल साइकिल, सेल डिविजन्स। ओके, सो पहला यूनिट हम पढ़ने वाले, मतलब पहला चैप्टर सेल के बारे में। क्लियर है कि नहीं? और आई होप दैट आप सभी लोग ना पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा कर रहे हैं। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आज की गर्मी एकदम ऐसी है कि मतलब चाहे कूलर चला लीजिए चाहे कुछ चला लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है शायद। और जो एसी वाले होंगे भाई वही मज़ा ले रहे होंगे। कोई बात नहीं, आपके पास एसी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, टेंशन ना ही टेंशन नहीं लेना है। सो पढ़ाई करनी है। हमने कहा ना कि दुनिया अपना काम कर रही है, नेचर अपना काम कर रहा है, आपको उसी में बच बचा के अपना काम करते रहना है। अगर आप अपना काम नहीं करेंगे तो आप पीछे जाएंगे, सिंपल सी बात है। चलिए आज हम समझते हैं सेल के बारे में। सेल क्या होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जान लीजिए। यहाँ से इन जनरल आपको हमेशा लगभग 5 क्वेश्चन से ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं, 5 से 8 क्वेश्चन जो है ना। अरे सेल साइकिल वाला जो केवल चैप्टर है, 4 से 5 क्वेश्चन तो उधर से आ जाते हैं। उसके बाद सेल से 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन। बायोमॉलिक्यूल से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। तो 4, 2, 6, 1, 7, इसीलिए नॉर्मल रेंज हमने बताया 5 से 8। मतलब आप सोचिए कि टॉपिक आसान है, बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं है। आपको कुछ कुछ फैक्ट याद रखने हैं और ऑब्वियस सी बात है कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे फैक्ट है और कुछ कॉन्सेप्ट है, आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्लियर है? ठीक ठाक अच्छा, मतलब यहाँ पे 25 से 30 नंबर तक, मतलब 24 से 30 नंबर तक आपको क्वेश्चन मिल जाता है और बहुत आसान होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के चलेंगे तो आसान होता है, नहीं पढ़ेंगे तो भाई जुमलेबाज बहानेबाज तो बच्चे है ही हैं, झूठे, मतलब उनको टीचर और चीज़ों की कदर ही नहीं होती, इतना झूठ बोलते हैं। एनीवे, उसके ऊपर हम बात करेंगे अलग से, ठीक है। हाँ, मेरे दिमाग में आया है कि बच्चों की हरकतें ऐसी ऐसी हमने देखी हैं कि मतलब आई रियली डो नॉट अंडरस्टैंड कि मतलब आज के टाइम पे बच्चों को हो क्या रहा है। दे लिटरली दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग देयर बेस्ट टीचर इवन समटाइम्स, ठीक है। चलिए, और किस चीज़ के लिए, वो कहानी तो आप सभी को पता है स्पेशली ओके, कोई नहीं, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज क्या सेल के बारे में शुरू करते हैं। तो सेल होता क्या है, ठीक है, इसको समझने से पहले ये देखेंगे कि मतलब इसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई थी या कैसे डिस्कवर किया गया था, इसका नाम कैसे पड़ा, ये समझ रहे ना। जो सेल है ये नाम कहाँ से आया, नेमिंग किसने की, ठीक है, डिस्कवरी किसने की। भाई ये डिस्कवरी है, इन्वेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। पूरी बॉडी जो हम लोग आज देख रहे हैं, हम लोग जो है अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबकी बॉडी सेल से बनी है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? सो डिस्कवरी पे अगर हम चलते हैं, सीधा सीधा उसी पे चलते हैं, तो सबसे पहले एक्चुअली में एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट। यहाँ पे उनका नाम नहीं दिया है, ठीक है, ये होना नहीं चाहिए था, उनका नाम जरूर मेंशन होना चाहिए था। लेकिन एनसीईआरटी का कुछ पता नहीं चलता है कि कैसे लिंक ये बनाते हैं। हाँ, कभी कभी मुझे लगता है ना कि ये लोग एकदम से वो कर दे। साइंटिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट या इंग्लिश साइंटिस्ट बोल लीजिए। नाम क्या था? रॉबर्ट होक, ठीक है, रॉबर्ट होक, ई है, रॉबर्ट हुक विद एन ई, ठीक है, तो ध्यान रखना। इन्होंने 1665 में एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। माइक्रो मतलब छोटा, ग्राफिया, माइक्रोग्राफिया, ठीक है। और इसी बुक में इन्होंने डिटेलिंग दी थी कि मतलब जो भी अपना इनका वर्क था, कैसे इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है। इन्होंने अपना एक ना माइक्रोस्कोप बनाया था, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप यूज किया था, ठीक है। और स्टडी इन्होंने क्या कहाँ किया था? कॉर्क सेल के ऊपर। कॉर्क पता है आपको? अगर आप नए नए हैं तो अभी शायद नहीं पता होगा। कॉर्क सेल का मतलब क्या है? कॉर्क मतलब होता है बार्क का पार्ट है, जो लकड़ी या पेड़ के जो बार्क होती है ना, बाहर का हिस्सा, उसको बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी है जिसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल टर्म में बोलते हैं इसको फेलेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेलेम। ऐसे लेयरिंग होती है एक्चुअली में बार्क में। बेसिकली यहाँ पे जो सेंटर में होता है ना, इसको बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम सीसी, या इसको क्या बोलते हैं? फेलोजन। क्या बोलते हैं? फेलोजन। ठीक है, यही डिवाइड होके बाहर साइड में कॉर्क बनाती है, समझ रहे हैं, या इसको बोलते हैं फेलेम बनाती है, और अंदर साइड में डिवाइड होके क्या करती है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है। ठीक है, या फेलोडर्म। ये जब प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे ना, तब वहां पे हम पढ़ाएंगे आपको अच्छे से। सो यही जो कॉर्क है ना, ये कॉर्क, ये एक्चुअली में बार्क का हिस्सा है। ठीक है, पार्ट ऑफ दी बार्क, समझ रहे ना, बार्क। ये इसी को इन्होंने मतलब बहुत फाइन स्लाइस लिया, जैसे आप चीज की स्लाइस लेते हैं ना, वैसे ही फाइनली इन्होंने चॉप किया। सेल की कटिंग आपने लैब में अगर एक्सपेरिमेंट किया है बाई चांस, आजकल कम हो गया है, तो उसमें क्या होता है? स्लाइसिंग करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसका स्लाइस लिया। किसका स्लाइस लिया भाई? इसी कॉर्क सेल का स्लाइस लिया इन्होंने, स्लाइस ऑफ कॉर्क सेल। और इसको जो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था इन्होंने बनाया था ना, जो इसी में ऑब्जर्व किया, समझ रहे हैं ना, ऑब्जर्व किया। और ऑब्जर्व किया तो इनको स्ट्रक्चर जो दिखा, स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे दिखा, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता देखेंगे नहीं, बी हाइव्स देखे ना भाई? नहीं देखे हैं, मधुमक्खी का छत्ता भी नहीं देखे हैं यार, क्या भाई। हम लोग उसमें से निकालते थे, मधुमक्खी के छत्ते से मोमबत्ती बना लेते थे और उसका शहद जो है निकाल लेते थे। मान लीजिए ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, समझ रहे कि नहीं? ऐसा स्ट्रक्चर रियल लाइफ में इन्होंने ऑब्जर्व किया था। कहाँ पे? ऐसे ऐसे जो सेल्स का स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे ऐसे रियल लाइफ में इनको स्ट्रक्चर दिखा था। जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज होती है ना पुराने टाइम पे, आज भी हैं मोनास्ट्रीज, ठीक है, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज जो रॉक्स को काट करके बनाई गई थी। ठीक है, हाँ, इन्होंने देखा कि ऐसे छोटे छोटे ना सेल्स बने हुए रहते हैं उसमें। ठीक है, मतलब बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में, और इनको बोलते हैं सेल्यूला। क्या बोलते हैं? सेल्यूला। यहीं से इन्होंने नाम जो है डिराइव किया कि हमको जो दिख रहा है कॉर्क सेल का स्ट्रक्चर, उसको जब माइक्रोस्कोप में देखा इन्होंने सेल्फ में, तो ऐसे स्ट्रक्चर दिखा। तो इन्होंने कहा कि भैया अच्छा, ये तो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री का जो सेल है जिसमें रहते हैं मॉन्क, रहते हैं यहाँ पे। कौन रहता है? मॉन्क्स। ठीक है, ये कनेक्टेड होते हैं। सो उन्होंने कहा ये तो वही है। तो ये सेलुला से टर्म आ गया क्या? सेल का। कहानी इतनी क्लियर हुई? रॉबर्ट हुक की कहानी क्लियर हुई? हाँ, तो ये जो सेल ये ऑब्जर्व कर रहे थे, ये लिविंग सेल्स थी या डेड सेल? नहीं भाई, कॉर्क या जो बार्क होता है ना, ये डेड ही होता है, डेड। तो इन्होंने ये जो ऑब्जर्वेशन था इनका, ये डेड सेल का ऑब्जर्वेशन था। किसका था? डेड सेल का। एक कहानी क्लियर हुई आपकी, ओके। दूसरी कहानी पे चलते हैं, उसका नाम इन्होंने यहाँ मेंशन किया है, कोई बात नहीं, हम देखते हैं उसको भी। इसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम क्या है? एंटोन भी बोलते हैं या एंटोनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखना तो है नहीं। एंटोनी वैन या वॉन, ठीक है, वॉन VON भी लिखा जाता है। ल्यूवेनहॉक LEUWENHOEK, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, समझ रहे ना, A.V. ल्यूवेनहॉक डायरेक्टली लिखा जाता है। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ये क्या थे? इन्होंने भी जब भाई 1665 में रॉबर्ट हुक ने बना लिया ना, तो ये सोचे कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं, खबर लगी, बुक उन्होंने पब्लिश किया सपोज। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया। इन्होंने एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया, डिजाइन माइक्रोस्कोप, और इसका मैग्निफिकेशन ठीक ठाक था, मतलब 200 से 300 टाइम्स जो है ना, ये किसी भी चीज को मैग्नीफाई कर लेता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि अच्छा ठीक है, पानी एकदम साफ सुथरा दिख रहा है पॉन्ड में। आप देखते हैं ना, जैसे पानी जो पीते भी हैं उसमें आपको चीजें दिखती हैं, कुछ दही खाते हैं, आपको पता है कि दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो दूध से दही बनाए हैं उसको, ठीक है, लेकिन दिखता तो नहीं है ना आपको, आपके हाथ के ऊपर कितने माइक्रोब से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब दे आर माइक्रोस्कोपिक। जब तक हम माइक्रोस्कोप का यूज नहीं करेंगे हमको वो चीज दिखेगी नहीं। तो इन्होंने क्या किया, अपने पॉन्ड से, जो इनका पॉन्ड था, भाई पॉन्ड रहता है गाँव में, अपने जो बड़े जिनके घर है अपना पॉन्ड बना के रखते हैं, बढ़िया। आजकल स्विमिंग पूल की बात नहीं करें, पॉन्ड है, इट्स नॉट स्विमिंग पूल, ठीक है। स्विमिंग पूल आई डोंट लाइक मच बट पॉन्ड आई लाइक वेरी मच। बढ़िया आप बना के रखे हैं पॉन्ड ना, तो इसमें नहा भी सकते हैं और बाकी चीजें भी रहती हैं इसमें, ठीक है, ओके। तो इन्होंने पॉन्ड से क्या किया, वाटर ले आए, ठीक है, पानी ले आए थोड़ा। अब पानी ले आके इसको जो है ना ऐसे स्लाइड पे रखा एक ड्रॉप, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पानी की बूंद जो है रखी, ठीक है, ड्रॉप। अब इसको इन्होंने ऑब्जर्व किया, किसमें, माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, यहां से इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, क्लियर है कि नहीं, इन्होंने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व किया तो इनको जो माइक्रोस्कोप में आप कभी देखे होंगे तो ऑब्जर्व करेंगे, तो इस स्लाइड पे ना ऐसे दिखा कि कोई ऑर्गेनिज्म मतलब इधर से इधर टुमकार मार रहा है, ऐसे ऐसे टहल रहा है, मतलब हिल डुल रहा है। तो इनको लगा कि अरे यार इसमें क्या है, कुछ तो दिख तो रहा नहीं है लेकिन हिल रहा है कुछ, ठीक है। फिर बाद में इन्होंने इसी चीज को, मतलब था, इनको पता नहीं था कि है क्या, ठीक है, लेकिन ये थे क्या एक्चुअली में, बैक्टीरिया थे, ठीक है, बैक्टीरिया थे एंड प्रोटोजोअर्स थे। क्योंकि इन्होंने ऐसा देखा है कि स्ट्रक्चर जिसके बाहर जो था ना स्ट्रक्चर ऐसे सीलिया टाइप का स्ट्रक्चर बाहर ऐसे दिख रहा था, तो पैरामीशियम वाला स्ट्रक्चर था, तो प्रोटोजोअन, ठीक है। और इसको इन्होंने ओवरऑल क्या बोला, इन्होंने जो टर्म दिया था उन्होंने दिया था कि एनिमलक्यूल्स, एनिमलक्यूल्स या एनिमलक्यूलाई बोलिए या एनिमलक्यूल्स बोल दीजिए, ठीक है। तो ये टर्म इन्होंने दिया था, यही टर्म, इन्होंने ये नहीं बोला कि बैक्टीरिया है कि प्रोटोजोआ है क्या है, इन्होंने टर्म दिया था एनिमलक्यूल्स। और सेम एक्सपेरिमेंट इन्होंने फिर से किया, अपने जो टीथ के बीच में जो वो होता है ना गम, दोनों टीथ के बीच में जो जमा रहता है गंदगी जो रहती है कभी कभी, तो उसको प्लेक्स को, जो टीथ प्लेक्स होते हैं ना, प्लेक्स, ठीक है, उसको भी रिमूव करके ना उसको भी देखा, तो उसमें भी ऐसे ही दिखा कुछ स्ट्रक्चर। तब उन्होंने कहा कि अरे यार तो कुछ तो है जो दिख नहीं रहा लेकिन है, समझ रहे ना, इसीलिए इनको बोला इन्होंने एनिमलक्यूल्स। तो रॉबर्ट हुक ने प्लांट के उस पे सेल को ऑब्जर्व किया था और जो लेवेनहॉक थे उन्होंने एनिमल सेल्स को देखा था एक्चुअली में। लेकिन रॉबर्ट हुक की जो सेल्स थी वो डेड थी, ठीक है, रॉबर्ट सेल की जो सेल का स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किया था वो डेड सेल का स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था, और लेवेनहॉक ने क्या देखा था, लाइव सेल का। यही ध्यान रखना है बाबा, ठीक है। और इनका टाइम ड्यूरेशन वही था 1970s के आसपास, वो 65 में थे, 1970s नहीं बाबा, 19 में आ जाओगे, वो 65 में था हुक का, रॉबर्ट हुक का, और इनका कितने था 1670s में, समझ रहे ना, 1670, मतलब इसी के आनवर्ड में ये पूरा रिसर्च इनका चल रहा था। क्लियर है कि नहीं, समझ रहे कि नहीं, ओके। तो मेन हमने डिस्कवरी के ऊपर जो पॉइंट्स थे उसको समझ लिया, कैसे डिस्कवरी हुई सेल की। अब सेल की डिस्कवरी हो गई तब डेवलपमेंट हुआ किसका, सेल थ्योरी का। जब सेल की डिस्कवरी हो गई तो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ किसके, रॉबर्ट हुक एंड एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। इन्हीं के बेसिस पे जो है ना दो अदर साइंटिस्ट थे जिनको हम स्लीडेन एंड स्वान बोलते हैं, स्लीडेन एंड स्वान, ठीक है, इनके बेस पे स्टडी इन्होंने परफॉर्म किया और उसके बाद सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया, सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया इसके बाद। और सेल थ्योरी क्या स्टेट करती है, सेल थ्योरी में दो पॉइंट्स हैं बेसिकली, यहाँ हम देखेंगे नीचे, ठीक है। पहला पॉइंट बेसिकली ये बताता है कि सेल क्या है, बेसिक फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लियर है। और दूसरा सेल थ्योरी ये बताता है जो फाइनल है कि कोई भी सेल, मतलब जो भी लिविंग सेल्स है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऐसे अचानक से नहीं आती। इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं हमको, लेकिन उन थ्योरीज में नहीं जाना है, हम पढ़ाएंगे भी नहीं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि अलग अलग थ्योरी दी गई थी, लेकिन उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ दिया हुआ है हम इसको पढ़ाएंगे। अगर आपको अलग से जानना होगा थोड़ा ज़्यादा तो हम सारी चीज़ों को पढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ बताएंगे आपको कि जब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बात करेंगे तो ठीक है। सो सेल की डिस्कवरी का पता चल गया आपको, ठीक है। अब आते हैं कि सेल है क्या, सेल क्या है, ठीक है। तो सेल की अगर हम बात करते हैं तो जब हम किसी को बोलते हैं कि ये सेलुलर है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर, यूनि हो चाहे मल्टी, ये भी ध्यान देंगे हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन वो सेलुलर है सपोज, तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये इंडिपेंडेंटली जो है ना एग्जिस्ट करेगा पहली बात, और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के लिए जो भी लाइफ के बेसिक नेसेसरी इसेंशियल फंक्शंस होंगे उसको परफॉर्म करेगा। तो दो पॉइंट जो है ना बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेलुलर होने का, और इसी दो जो पॉइंट्स है ना इसमें वायरसेस नहीं फिट होते हैं, इसमें प्रायंस नहीं फिट होते हैं, इसमें वायरॉइड्स नहीं फिट होते हैं, समझ रहे कि नहीं। सो हम इनको बोलते हैं दे आर नॉट सेलुलर स्ट्रक्चर। रीजन क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इनका नहीं है, विदाउट होस्ट दे कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें हम बेसिकली बैक्टीरिया की बात करते हैं, या यीस्ट है फंजाई में, ऐसे अदर ऑर्गेनिज्म जो भी है, ठीक है, प्रोकैरियोट में भी अगर आर्की बैक्टीरिया की भी बात करते हैं, सब ये यूनिसेलुलर हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो है ना होल्ड करते हैं, क्या, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी है इनका, और जो इसेंशियल फंक्शंस होते हैं लाइफ के जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है, फूड इनटेक या डाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रिशन, ये सारा ये अपना परफॉर्म करते हैं। हम सारे फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं कि जो आप फंक्शन परफॉर्म करते हैं आपकी सेल फंक्शन परफॉर्म करती है वही ये भी करे, नहीं। लेकिन अगर सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ये दोनों उसकी प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर चीज की होगी, ठीक है, समझ रहे हैं ना। सो ये यूनिसेलुलर की बात कर रहा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है। हम भाई तो है ही है, हम तो इंडिपेंडेंट है ही है, इंडिपेंडेंट है, अरे नहीं रे बाबा, हम लोग भी प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। फूड वेव फूड चेन का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना, ठीक है। सो इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और ये एसेंशियल फंक्शन लाइफ का परफॉर्म कर पाते हैं, क्लियर है कि नहीं। अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ऐसा काम नहीं कर पाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो सेल जो है सेल की कैटेगरी में नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। वायरसेस इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है। देखिए, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। हम अभी सेल के स्ट्रक्चर पर जब चलेंगे तब देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है सेल का वो कैसा होता है, और उतना स्ट्रक्चर होना जरूरी है, वही इंश्योर करेगा इंडिपेंडेंट लिविंग को, ठीक है। सो सेल को क्या बोलेंगे, सेल ये बहुत कॉमन है, सब लोगों को याद होता है। सेल क्या होता है भाई, फंडामेंटल का मतलब बेसिक, क्या है बेसिक, तो फंडामेंटल मतलब बेसिक, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मतलब वो स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है और फंक्शन भी परफॉर्म करता है। यूनिट ऑफ लाइफ मतलब लाइफ की ये यूनिट है, एक ऐसी यूनिट है जो कि स्ट्रक्चर भी दे रही है हमारे शरीर को और फंक्शन भी परफॉर्म कर रही है, समझ रहे हैं कि नहीं। ये डेफिनेशन पहले से रटे हैं लेकिन इसको दूसरे तरीके से अभी हमने समझाया। जस्ट रिमेंबर दैट, ओके। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ, क्लियर है कि नहीं। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट शॉ एंड डिस्क्राइब द लाइफ सेल। तो अगर लाइफ सेल की बात करेगा तो पहली बार किसने देखा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। और अगर खाली बोले कि सेल की डिस्कवरी किसने की तो रॉबर्ट हुक साहब आएंगे, ठीक है। लाइफ सेल की बात आएगी वहां पर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जी आएंगे, क्लियर है। रॉबर्ट ब्राउन, यहाँ पे दिया है नाम, इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेल है और ये क्या होता है, ये ब्रेन कहलाता है एक्चुअली में, ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, कंट्रोल सेंटर, क्या है कंट्रोल सेंटर। इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जस्ट रिमेंबर, नाम दिया है ध्यान रखिएगा, ठीक है। Invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all structural detail of the cell. आज के समय में जो हम एक एक स्ट्रक्चर अल्ट्रा स्ट्रक्चर तक पहुंच गए ना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम सर्च करते हैं भैया हमको अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाओ माइटोकॉन्ड्रिया का, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहाँ से देखने को मिला है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इसका भी डिटेल हमको नहीं पढ़ना है टूल्स एंड टेक्निक में। इसमें दो टाइप के बेसिकली होते हैं, टेम होता है एंड सेम होता है, ठीक है। सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन अंदर के स्ट्रक्चर को दिखाएगा, ट्रांसमिट करेगा, स्कैनिंग बाहर के स्ट्रक्चर को स्कैन करके बताएगा क्या क्या चीजें कैसे हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, इसको हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम कॉन्सेप्ट पे, सेल थ्योरी पे, ठीक है। लेकिन सेल थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे और बता दे रहे हैं आपको, या क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे कि आप ये बताइए कि जितने ऑर्गेनिज्म हैं आज देख रहे हैं जो, ठीक है, आपको मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म जो दिखने वाले हैं वो कैसे दिखते हैं? मल्टी सेलुलर, ठीक है। आज के टाइम पे हम भी मल्टी सेलुलर हैं, बटरफ्लाई भी मल्टी सेलुलर है, प्लांट भी मल्टी सेलुलर है, ठीक है। आपके पेट्स जो हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, या जितने भी अदर चीजें सब मल्टी सेलुलर हैं। आप देखे भी हैं, अगर आप एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं तो उसमें भी देखेंगे ए सेलुलर से सेलुलर, सेलुलर से लूज एग्रीगेट आया, उसके बाद मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर पे हम पहुंचे। और अभी हमने पढ़ा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी दो प्रॉपर्टी भी देख ली, ठीक है। क्वेश्चन अराइज ये होता है कि भाई ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई वाटर में, वहां पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, ठीक है। तो यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने के लिए जो ट्रांजिशन हुआ ये क्यों हुआ? ट्रांजिशन हुआ तो क्यों हुआ? और कोई एग्जिस्टेंस भी है नहीं, अभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा का पूरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ज्यादा बेहतर है। सपोज हम यही पढ़ते हैं ना, कभी भी कोई चीज अगर इवोल्यूशनरी टाइम स्केल में होती है तो हम उसको इन जनरल बेहतर बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके में ये भी चीज हम समझेंगे। सो इस पे आप थोड़ा सा ना पॉन्डर करिए, ठीक है, ये ट्रांजिशन क्यों हुआ, ठीक है। हम बता देंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, हम बता देंगे। लेकिन अभी आपको मैं बोल रहा हूँ कि यूनि से जो ट्रांजिशन हुआ ना मल्टी में, यूनिसेलुलर से ट्रांजिशन किसमें? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ये ट्रांजिशन क्यों हुआ मतलब वाई इट हैपन। जब यूनिसेलुलर खुद इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और बढ़िया से चल रहा है, आज भी एग्जिस्ट करता है, हमसे ज्यादा पॉपुलेशन है इनकी, हमको दिख नहीं रहा है ना, हमारे नोक पे फिंगर टिप पे वो लाखों बैठे पड़े हैं, तो इसका मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ये ट्रांजिशन हुआ क्यों? कोई तो रीजन होगा, है ट्रांजिशन होने का, दूसरी स्पीसीज बनने का कोई तो रीजन होता है ना, तो क्यों हुआ, ठीक है। तो आपको पॉइंट्स हमको बताने हैं, क्यों हुआ हमको बताने का मतलब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो डू इस पे पॉन्डर करिएगा थोड़ा, ठीक है, ये आपकी पॉन्डर करने के लिए है, डू पॉन्डर। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको थोड़ा बता देंगे, बेसिक दो चार पॉइंट बता देंगे क्यों हुआ, ठीक है। इवोल्यूशन एक बहुत वैसा आंसर है, इवोल्यूशन अगर आप सोच रहे हैं बोल रहे हैं तो इवोल्यूशन तो एक बेसिक क्राइटेरिया, इवोल्यूशन का क्या रीजन होता है, क्या फैक्टर्स होते हैं और क्यों होता है इवोल्यूशन, ये जानना जरूरी है, ठीक है। सेल थ्योरी के कॉन्सेप्ट में अगर आते हैं हम, ठीक है, इसके बाद हम सेल देखेंगे, आज इतना ही बताएंगे। सेल थ्योरी का थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर देते हैं। सो सेल थ्योरी जो डेवलप हुई, हमने बताया कि सेल थ्योरी जो रॉबर्ट हुक और एंटोन वन लीवेनहॉक की डिस्कवरी थी सेल की, एक ने डेड सेल बताया, उसी के बेसिस पे दूसरे ने फिर क्या किया, लाइव सेल की डिस्कवरी की, लाइव सेल को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, और बाद में उन दोनों के अंडरस्टैंडिंग और स्टडी को कंबाइंड करके, ठीक है, स्टडी करना शुरू किया किसने? मैथियास, स्लीडन एंड श्वान ने। तो स्लीडन एक्चुअली में 1838 की बात है, ये लगभग देखिए 200 साल की बात है ना, लगभग 1665 मतलब 150 से 250 साल, ठीक है। और ये 1838 से 1838 कौन है? मैथियास स्लीडन, मतलब काफी टाइम बीत गया, काफी टाइम के बाद की बात है ये, ठीक है। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे मैथियास स्लीडन, तो बॉटनिस्ट थे तो नॉर्मली प्लांट का ही ऑब्जर्वेशन करेंगे भाई, जूलॉजी बॉटनी का मतलब ही है, हम बॉटनी में अगर है सपोज तो हम मैक्सिमम चीजें प्लांट की ही किए हैं, ठीक है, जो जूलॉजी वाले होते हैं मैक्सिमम चीजें क्या करते हैं एनिमल पे करते हैं, समझ रहे हैं। तो 1838 की बात है ये, इन्होंने एग्जामिन किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, मतलब बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, एग्जामिन किया, और ऑब्जर्व क्या किया इन्होंने कि प्लांट के अंदर इन्होंने देखा ना तो डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट काइंड के सेल थे, मतलब सेल थे लेकिन ऐसा नहीं कि सारे प्लांट में या एक ही उसमें स्ट्रक्चर में एक टाइप की केवल सेल्स दिख रही हैं, ऐसे 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 नो, अलग अलग टाइप की भी सेल दिखी इनको, ठीक है। ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, सी फ्रॉम विच टिश्यूज ऑफ द प्लांट फॉर्म द टिश्यू, फ्रॉम नहीं फॉर्म मतलब सेल से टिश्यू बनाती है ये, ठीक है। एट अबाउट द सेम टाइम, मतलब ये इनका ऑब्जर्वेशन था प्लांट के लिए कि मतलब इन्होंने बोला कि सारे प्लांट एक्चुअली में बस बेसिक क्या है, सारे प्लांट जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के सेल से बने होते हैं और अल्टीमेटली क्या बनाते हैं टिश्यू बनाते हैं। ये कहानी आपको ध्यान में रखनी है। दूसरे साइंटिस्ट थे जिनको हम बोल रहे हैं थियोडर श्वान, स्लेडन एंड श्वान एक साथ आता है नाम, थियोडर श्वान। ये इंडिपेंडेंटली इन्होंने स्टडी किया, ये दोनों स्टडी क्या है इंडिपेंडेंट है। ये 1839 में किया इन्होंने, 1839 में। ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, वो जर्मन बॉटनिस्ट थे और ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, सारा यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। इन्होंने क्या स्टडी किया है, इन्होंने एक्चुअली में शुरुआत की एनिमल सेल की, ठीक है, एनिमल सेल के ऊपर स्टडी किया, लेकिन बाद में इन्होंने ना प्लांट के सेल को भी ऑब्जर्व किया, ठीक है, प्लांट के सेल को भी ऑब्जर्व किया। तो एनिमल सेल की स्टडी के बाद इन्होंने क्या रिपोर्ट किया, दैट सेल हैड अ थिन आउटर लेयर, मतलब इन्होंने देखा ऐसे सेल एक स्ट्रक्चर है सेल, ठीक है, इंक्लूजन बॉडी जो सारी चीजें हैं इसमें, तो इन्होंने कहा एक आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर का मतलब आउटर लेयर। इसी लेयर को आज के समय में हम क्या बोलते हैं, इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं पीएम, अरे प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर हुआ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का श्रेय किसको जाता है, बेसिकली श्वान साहब को जाता है, थियोडर श्वान को। इन्होंने ये भी कंक्लूड किया अपनी स्टडी किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। तो कहने का मतलब देखिए जो बॉटनिस्ट थे, मतलब इसके पहले ये एक्चुअली में कंपैरेटिव स्टडी किया, इन्होंने पहले इसको देख लिया, तो इनका होता है ना क्यूरियोसिटी, जो आप में होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी आप में बिल्कुल ही नहीं रहती है। क्यूरियोसिटी मतलब ये क्यूरियस थे कि अच्छा एनिमल में तो हमने देख लिया कि लेयर है, क्या सेम लेयर ये एनिमल सेल थी, तो क्या सेम चीज आपको प्लांट में भी दिख रही है क्या। इस क्यूरियोसिटी में इन्होंने क्या किया, कंपैरेटिव एनालिसिस की, ये कंपैरेटिव एनालिसिस था। तो जब प्लांट टिश्यू को ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे ना दूसरा एक और है ऐसा स्ट्रक्चर, आउटर लेयर है, लेकिन उसको क्या बोला सेलवाल बोला, और ये यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल के लिए, ठीक है। तो सेलवाल की भी डिस्कवरी जो हुई यहीं से हुई, क्लियर है कि नहीं। और इन दोनों को मिला के, मतलब श्वान साहब को मिला के और इसके पहले जो थे मैथियस स्लेडन 1838, देखिए डेट भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है कहाँ के थे और क्या ऑब्जर्व किया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि जर्मन बॉटनिस्ट थे और इन्होंने केवल प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया था। श्वान जो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल सेल को भी ऑब्जर्व किया और प्लांट को भी किया। प्लांट को ऑब्जर्व करके बोला कि भाई बाहर की कवरिंग जो होती है मोटी सी होती है, सेलवाल बोलते हैं उसको, ठीक है, एनिमल सेल में अलग होता है, इसमें केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेलवाल वाइज टाइप का स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। इन दोनों ने के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू थ्योरीज, ठीक है, दीज टू ऑब्जर्वेशन, सेल थ्योरी का जो है ना डेवलपमेंट हुआ। हाइपोथेसिस एक दी गई किसके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज्ड अ हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये स्वान का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये स्वान का कॉन्सेप्ट था कि जो बॉडी है एनिमल और प्लांट की वो किससे बनी है, सेल से बनी है, क्योंकि ऑब्जर्व किया इन्होंने, और किससे बनी है प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल मतलब एक है और इसी के प्रोडक्ट का है, ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं। लेकिन इन्होंने ना प्रॉपर रीजन नहीं बताया कि ये जो सेल है ये कहाँ से आती है, ये जो सेल है ये कहाँ से आई, इसकी ओरिजिन के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा, कहाँ से आया और कैसे ये आगे चीजें चल रही हैं। खाली इन्होंने बोल दिया कि जो बॉडी है एनिमल और प्लांट की वो किससे बनी है कंपोज है सेल और सेल के प्रोडक्ट से, क्लियर है कि नहीं। दोनों इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन और इसके पहले जो इन्फॉर्मेशन थी आपकी मैथियस स्लेडन की, दोनों को मिला के सबसे शुरुआती जो फॉर्मुलेशन हुआ सेल थ्योरी का वो किया गया, ठीक है, क्या स्लेडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड दी सेल थ्योरी। कहानी क्लियर। लेकिन इस थ्योरी में यही था कि दे डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म, नई सेल बनी कैसे, ठीक है, नई सेल आ कहाँ से रही है, बन कहाँ से रही है, इसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं रूडोल्फ वर्को, या विर्को बोलिए वर्को बोलिए, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ये रूडोल्फ विर्को याद रखिएगा, ठीक है, हम जब वायरस की डिस्कवरी पढ़ेंगे तब भी वहां पे भी आएंगे ये, ओके कोई नहीं। 1855 डेट भी याद रखना है। इन्होंने पहली बार एक्सप्लेन किया क्या, दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। कहने का मतलब नई सेल जो बनी है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रही है, और इन्होंने टर्म यूज किया क्या, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ये ध्यान रखिएगा किसका स्टेटमेंट है, पहले बहुत पूछा गया है ये क्वेश्चन कि किसने दिया है ये टर्म ओमनिस सेलुला ई सेलुला, किसका है ये भाई, रूडोल्फ विर्को का या वर्को का, ठीक है VIRCHOW, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अब इन्होंने प्री एग्जिस्टिंग का कॉन्सेप्ट दे दिया कि जितनी भी सेल्स होती हैं, ठीक है, डिवाइडिंग सेल जो होती हैं, ठीक है, वहां से नई सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती है, क्लियर हो गया। इसके बेसिस पे रूडोल्फ विर्को ने पूरी जो हाइपोथेसिस दी सेल थ्योरी को, उसको मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, और मॉडिफाई करने के बाद सेल थ्योरी का फाइनल शेप आया, और इसके बेसिस पे जो आज हम अंडरस्टैंड करते हैं, जो हमने शुरू में एकदम पॉइंट बताया था, आज समझते हैं क्या, दो पॉइंट है इसमें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कंपोज्ड है किससे, सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ये आपका श्वान वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो यहाँ पे जो फाइनल सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फाइनल जो शेप मिला किसको, सेल थ्योरी को, वो विर्को ने दिया, और उसमें ये दोनों पॉइंट आते हैं। तो सेल थ्योरी का ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग था। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्या, ओवरव्यू देखेंगे सेल का, सेल में डिफरेंट जो प्रोकैरियोटिक सेल का नेचर क्या होता है, या कैसे दिखते हैं, यूकैरियोटिक सेल कैसे दिखते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे हम फिर आगे चीजें करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रोकैरियोटिक सेल या यूनिसेलर स्ट्रक्चर लगाया था, लेकिन आगे हमारे आएगा, ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे। सो हमको लग रहा है कि 2-3 लेक्चर में ये चलेगा, क्योंकि नीचे जो ऑर्गेनेल है, ऑर्गेनेल मैक्सिमम छोटे छोटे हैं, जो बड़ा ऑर्गेनेल होगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी में कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, आसानी से चीजें हो जाएंगी, क्लियर है कि नहीं। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम आते हैं किसके साथ, किसके साथ भाई, किसी के साथ नहीं आएंगे, इसी ओवरव्यू के साथ आएंगे, सेल का ओवरव्यू पढ़ा जाएगा, क्लियर है। तब तक मस्त रहिए, गर्मी का आनंद लेते रहिए, और शरबत और पानी पीते रहिए, ओके, थैंक यू।